बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी, हरी भरी भिंडी। भिंडी तो वैसे होती तो हरी है, लेकिन ये कि अगर उसमें कुछ चीज़ें शामिल कर दी जाएँ तो हरी भरी हो जाएंगी। ये शायद मेरा ही लॉजिक है, वैसे कुछ नहीं जी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं भिंडी को कट कर लूँगी। तो मैंने कट कर ली है, ये देखें इस साइज में, ये देखें, ये मैंने कट कर लिया। इसको मैं साइड पे रख दूंगी। अब मैं प्याज को कट कर लूंगी। प्याज तकरीबन मेरे पास है 4 या 5। अच्छा, बाज़ लोग अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि भिंडी में प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं जब भी भिंडी बनाती हूँ लाजमी मैं उसमें प्याज डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि भिंडी नामुकम्मल है प्याज के बगैर। जी, ये जो मैंने भिंडी मैंने कट की थी, सबसे पहले मैं इसे फ्राई कर लूँगी और एक साइड में मैं प्याज काट रही हूँ। बिस्मिल्लाह, एक पैन लिया, इसमें मैं हल्का सा ऑयल डालूंगी। और थोड़ी सी हल्दी शामिल करूंगी। और जो भिंडी है इसको मैं फ्राई होने के लिए रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। चलिए, मैं चम्मच बस, ज़्यादा हिलाना नहीं इसे, बस ज़रा खड़ी खड़ी रहे, हल्दी मैंने इसलिए इसमें डाली है कि ये ज़रा इसका कलर जो है चेंज नहीं होगा भिंडी का। और फ्राई इसलिए पहले करते हैं इसे कि जो इसके लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये ज़रा ज़्यादा नहीं, बस एक दो दफ़ा, ये देख रहे हैं आप इसके लेस कैसे निकल रही है, ये देखें। प्याज को मैंने कट कर लिया, ये देखें बारीक, मोटा मोटा नहीं, बारीक बारीक ज़रा। ये जैसे अब ऑयल में जाएगा ना तो फिर ये खुल जाएगा। अब मैं टमाटर कट कर रही हूँ। तकरीबन मेरे पास 4 अदर टमाटर है। आप इनको ऐसे चकोर शेप में कट कर लें।
और साथ ही मैं हरी मिर्च भी कट कर रही हूँ, प्याज टमाटर और हरी मिर्च को, और उस तरफ भिंडी फ्राई हो रही है। ये देखिए ज़रा, इसमें ज़रा अभी इसमें बेस अभी नज़र आ रही है, ये देखिए शायद कैमरे की आँख आपको नज़र आ रहा है, मैंने ये देखी है थोड़ा। अब इसके लेयर सारी ख़त्म करूँगी मैं पहले, उतनी देर में मैं ये कट कर लूँगी। खाना कोई भी हो लेकिन उसे ज़रा अच्छे तरीके से बनाया जाए, चाहे दाल ही क्यों ना हो, अच्छे तरीके से उसे बनाया जाए तो वो एक अलग ही मज़ा देती है। देखने में जो चीज़ अच्छी लग रही हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खाने में भी अच्छी ही होती है। अब ये मैं हरी मिर्च ये भी कट कर देती हूँ साथ ही, तकरीबन 4 या 5 हरी मिर्च मैं लूँगी, क्योंकि ये इधर थोड़ी तेज़ है इसलिए मैं ये 4-5 ही बस लूँगी। आप अपने हिसाब से जिस तरीके से भी खाते हैं मसाला वैसे डालिएगा। ये देखें ज़रा थोड़ी फ्राई हो गई है भिंडी और इसके लेस भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसे अलहदा से निकाल लूँगी प्लेट में। उसी पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ और जो प्याज मैंने किया था फ्राई वो इसमें डाल दूँगी। इसमें डाल देखें प्याज इसमें खुल रहे हैं तो वो लच्छेदार हो गया है, बारीक प्याज बारीक मैंने कट किया है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं मैं करूँगी प्याज को, हल्का सा बस इसे मैं लाइट ब्राउन करूँगी, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी। और ये मसाले जो इसके लिए चाहिए ये है सूख मिर्च, और ये मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का है पिसी हुई, और 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच के करीब हल्दी, तकरीबन 1 से कम ही है क्योंकि मैंने थोड़ी सी डाली थी भिंडी में, और ये है गरम मसाला ये मैं इन पे डालूँगी, और 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 चम्मच ज़ीरा, ये सब मसाला जात इसमें जाएंगे। अभी ज़रा प्याज हल्का से ब्राउन कर लूँ। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें, दुआ करें आप कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। ये देखिए प्याज ने कलर थोड़ा लाइट सा ब्राउन कलर आ गया, बस ज़्यादा मैं डार्क की तरफ नहीं जाऊँगी। अब इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो शामिल करूँगी, 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो भी हल्का सा भूनूंगी। थोड़ी सी आग ज़रा मैं तेज कर रही हूँ। जैसा हल्का सा ब्राउन हो गया है इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब जो मैंने टमाटर कट किए थे वो मैं इसमें डाल दूंगी।
और साथ ही मैं जो मिसाले हैं इसके नमक मिर्च वो डालूंगी। बिस्मिल्लाह। इसको हिला लें। माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है मसाले की, बहुत अच्छी माशाल्लाह। हल्का सा इसमें मैं पानी लगाऊंगी, हल्का सा ज़रा सा। ताकि ये जब मिर्च वगैरह ये अच्छी तरीके से प्याज और टमाटर मिक्स हो जाए। मसाला तकरीबन बन चुका है, ये देखिए मैंने हल्की इसकी आंच की भी चूल्हे की। अब जो भिंडी मैंने फ्राई की थी पहले वो मैं इसमें डाल दूंगी। माशाल्लाह से देखें जरा, हो गई ना भिंडी हरी भरी। टमाटर भी नज़र आ रहे हैं इसमें, प्याज भी नज़र आ रहा है, भिंडी भी और हरी मिर्च भी मैं डाल रही हूँ जो मैंने कट की थी। बस कोशिश करें कि ज़्यादा चम्मच ना ही हिलाएं क्योंकि ऐसे भिंडी टूट जाएगी फिर वो अच्छी नहीं लगती। खड़ी खड़ी भिंडी ज़रा अच्छी लगती है। अब मैं इसमें बस तकरीबन ये डन है, अब मैं धनिया डालूँगी और डिश आउट करती हूँ। अभी दो मिनट के लिए इसे मैं दम पे लगाऊंगी, उसके बाद डिश आउट करूंगी। इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ, भिंडी रेडी है, मैं इसे डिश में निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है भिंडी में, ज़रा भी लेस नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखें ज़रा माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह भिंडी रेडी हो गई है। और इसी दुआ के साथ मैं आपसे अल्लाह हाफिज़ बोलूँगी कि हमेशा खुश रहें, अपने बड़ों का एहतराम करें और बच्चों से प्यार करें। ख़ास तौर पे हमारे जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे बच्चे बच्चियाँ, उनका ख़ास ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।